वंदे मातरम दोस्तों दोस्तों मैं हूँ योगेश विश्वकर्मा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि किचन क्लीनर स्प्रे कैसे बनाते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में आते हैं, डेटॉल का आता है, लाइजॉल का आता है और ये बहुत ही महंगे बिकते हैं, 125-150 रुपये का, 450-500 ml। तो दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है इस बिजनेस में जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअल में दोस्तों इसकी इतनी कॉस्ट होती नहीं है, तो अगर आप इस बिजनेस को करते हो तो बहुत ही अच्छी अर्निंग आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि इसको हम बनाते कैसे और इसका बिजनेस कैसे करते हैं। दोस्तों बिजनेस के लिए तो सिंपली लिक्विड बना के आपको स्प्रे बॉटल लेना है, स्टिकर लगा के आपको सेल आउट करना है, ठीक है ना। लिक्विड कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। 200 फॉर्मूला की बुक मैंने ही बनाई है और इसमें बहुत ही कमाल के फॉर्मूला मैंने मेंशन किए हुए हैं। अगर अभी तक आपने मेरे 200 फॉर्मूला की बुक नहीं ली है तो ये जो नंबर दिख रहा है मेरा ही नंबर है, इसमें मुझे कॉल या व्हाट्सअप करके मेरी 200 फॉर्मूला की बुक ले सकते हैं। दोस्तों इस फॉर्मूला बुक पे अच्छी बात यह है कि मेरी हेल्प और सपोर्ट भी है। सपोज प्रोडक्ट बनाने में, बिजनेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको हेल्प और सपोर्ट भी करूंगा। और दोस्तों हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग चालू है डेली सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक चालू है। तो अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सअप करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, और ऑफलाइन चाहते हैं हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे तो ये मेरा एड्रेस है, यहाँ पर आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग हमारी डेली चालू है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए तो दोस्तों हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं कि इसको हम बनाते रहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हमें लेना कॉस्टिक लाई। मैंने इसमें थोड़ा सा कॉस्टिक सोडा डाला और पानी डाला घोल के, ठीक है ना, अभी 15 मिनट पहले, और क्वांटिटी तो आपको सारी दिख ही रही है। और दोस्तों ये हमारा पानी है, तो पानी में सबसे पहले हम दोस्तों डालेंगे साइट्रिक एसिड, ये आप अच्छे से जानते हैं दानेदार साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है ना। साइट्रिक एसिड डाल के हम अच्छे से करेंगे मिक्स। और दोस्तों फिर हम इसमें डालेंगे एसिड स्लरी, दोस्तों एसिड स्लरी और हमने साइट्रिक एसिड डाला है तो नेचुरल बात है कि भाई हमें इसका पीएच करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने जो कॉस्टिक लिया हम इससे करेंगे इसका पीएच बैलेंस। ये दोस्तों पीएच पेपर है, अभी रेड है, मतलब थोड़ा सा कॉस्टिक और डालना है। अभी भी थोड़ा सा रेड है, हाँ दोस्तों ये ऑलमोस्ट येलो जैसा पेपर है वैसा का वैसा हो गया, ये दाग तो एक्चुअली पहले का है, ठीक है रेड वाला। तो हमारा पीएच हो चुका है बैलेंस, पीएच आपको रखना है येलो जैसा पेपर है वैसे का वैसा। और दोस्तों हम इसमें कोई भी कलर, एक्चुअली इसमें ऑरेंज फ्लेवर में डालते हैं वो, हम इसमें रेड वाला बना रहे हैं। दोस्तों इसमें 1 से 2 ml आपको डालना परफ्यूम, लेकिन परफ्यूम आपको डालना है वाटर बेस, ठीक है ना। तो ये आप देखिए कलर इसमें अगर और कम लगे तो थोड़ा सा हम डाल सकते हैं। तो ये हमारा लिक्विड बन के रेडी से है, इसमें हमें अगर परफ्यूम डालना तो वाटर बेस्ड परफ्यूम डाल सकते हैं और उसको 4 से 6 घंटे रखिए ताकि इसका फॉर्म सेटल हो जाए और उसको आप पैक कर सकते हैं। दोस्तों ये मैंने यूज किया, बहुत ही कमाल का रिजल्ट है। थैंक यू दोस्तों।